नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 13 सितंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन भाद्रपद मास की दशमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और दोस्तों, ये वो दशमी तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी दशमी है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक छुटकी काले तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार दशमी के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काले तिल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस काले तिल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने की दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस भाद्रपद महीने के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काले तिल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार दशमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काले तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 काले तिल की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार दशमी का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काले तिल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस काले तिल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? इसे हमें तुलसी के क्यारे के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो इस वाले उपाय को आप घर ही करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो शिव मंदिर में उपाय को करोगे तो भी अच्छा होगा इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे, दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ मैं आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को गड्ढी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है, और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, और जब भी हम यह दीपक अपनी की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है
विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड्डी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वो भी बहुत ज्यादा खास है। तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है। और इसी के साथ मैं आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको मौली का जो धागा आता है, कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना होगा। यानी कि इस दीपक के अंदर आपको लाल रंग की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जो भी मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना देनी है, यानी कि थोड़ी सी अक्षत के दाने आपको माता रानी के सामने रखना है। उसके बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं, उस दीपक को आपको उन्हीं चावल के दानों के ऊपर रख देना है और फिर इस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। देखें, इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो 2 हरी इलायची लेकर के गए हैं, उसमें से एक हरी इलायची को तो आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है और वहीं पर आपको कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपके पास जो शहद है और एक हरी इलायची है, उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही करना होगा। शाम को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है, उसे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि शहद का लेपन उसे हरी इलायची के ऊपर चारों तरफ आपको कर देना है। अब यह जो शहद से युक्त हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी अपने साथ लेकर के जाना। तो यह एक लोटा जल भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है
और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले अपने घर से शुद्ध जल लेना है, फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्रों को आप पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं और बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद आपको लेना है और इससे फिर आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको ओम का निर्माण करना है, लेकिन जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उससे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेल पत्र है उससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और महादेव से आपको अपनी वह विशेष मनोकामना, आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह जो एक बेल पत्र है इससे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी के ऊपर आपको ये बेल पत्र भी समर्पित कर देनी है। देखिए, बेल पत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से आपको यह बेल पत्र समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको बेल पत्र की जो आगे वाली पत्ती है उस पर आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर उस पात्र के अंदर जो जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सके, फिर इसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। आप देखेंगे कि आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो में हमने आपको 3 से 4 महा उपाय आपको बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है ना? ले लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की, कितने 7 चावल के दाने, गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने। कहोगे भैया गेहूं हमें नहीं मिलती है, इस टाइम पे अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है, इजली आपको किसी भी किराना स्टोर पे 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 7 गेहूं 7 चावल के दाने लेंगे, साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है ना, उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे। प्रदोष काल में मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो। फेस रखना कौन सी दिशा? उत्तर दिशा।
नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के साथ दाने हैं ना, उन चावल के साथ दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको कुछ इस तरीके से रख देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं ना। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ना तो शिवलिंग के ऊपर सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना है ना। अब आपके पास में बचे हुए हैं 7 गेहूं के दाने, अरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उन्हीं 7 गेहूं को दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वो दिन प्रदोष का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है, ध्यान न रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, सुबह के टाइम नहीं कर सकते। ठीक, चलो तो पहले उपाय की तो हमने यहां पर बात कर ली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है, साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, आपकी जो भी समस्या होगी इस गुरुवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, देखो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है, और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है, और फिर आपको ओम नम शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है, और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है,
और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है, तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, गुरुवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर चार बातियाई बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल,
और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए अब जो ये दीपक है और लौंग है इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप आरण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है विपदा है वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी।